बीजेपी कहाँ जिम्मेवार है इसमें बता, हम लोगों ने कहा है क्या इनको, क्या विश्वास मत प्रस्ताव ले आइए? हम लोगों ने तो कहा है कि आपने गलत किया है, मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, उद्योग मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, भारत के इतिहास में कहीं भी कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होंगे जो अपने नाम से जो खनन पट्टा लिए होंगे। राज्य में पहला राज्य है झारखंड जहाँ के मुख्यमंत्री पद का और पावर का इन्होंने दुरुपयोग और मिसयूज किया है। तो हम लोगों ने तो राज्यपाल से कहा है कि इनको आप बर्खास्त करिए, इनको आप हटाइए, ये गैर कानूनी इन्होंने काम किया है, संविधान के विपरीत काम किया है। जो लोक सेवकों के लिए जो आचार संहिता बना हुआ है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, और उनके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट की तहत, उस धारा की तहत उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, ये हम लोगों ने मांग किया है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई राज्यपाल तो हम दबाव नहीं डाल सकते, वो भी अपने लोगों से विचार मंथन कर रहे होंगे विशेषज्ञों से। जब मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में उनको बुलाया गया तो आप लोगों ने देखा 6-6 महीना तक उन्होंने समय लिया। तो भाई अगर गवर्नर को डिसीजन करना है, गवर्नर से तो हम लोगों को एग्री होना चाहिए था कि भाई आप जल्दी डिसीजन लीजिए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि वो परेशान है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों परेशान है, क्यों इतनी वो हड़बड़ी में है। बिल्कुल पूरे राज्य में घटनाएं हो रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैंने लगातार कहा और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ऐसा होते रहता है। क्या मतलब है लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है, कहीं पेट्रोल छीट करके, कहीं गला दबा के मार करके फांसी पर टांग दिया जाता है, कहीं नाम छुपा करके बताया जाता है कि आपसे शादी करेंगे, उराव का नाम बताते हैं, बाद में पता चलता है विशेष समुदाय के, और उसको भी मार के कुआं में फेंक दिया जाता है, वो तो खैर बच निकली। तो आज ऐसी घटनाएं हो रही है, पूरे राज्य में हो रही है, उस पर सरकार को कहां चिंता, उस पर तो कहता है कि ऐसी होते ही रहता है, और अपने को कहता है आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी बच्चों के साथ जो कि सबसे अधिक क्या कहते हैं सॉफ्ट टारगेट ट्राइबल है, दलित है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, और जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर चाइना के उन क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर क्या कहते हैं कौन मुसलमान है, बिगर मुसलमान है, उस इलाके में चाइनीज ने जिस प्रकार से वहाँ की नस्ल को समाप्त करने की षड्यंत्र कर रहा है, तो आज देश में भी वैसे ही समुदाय विशेष के लोग, कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं ताकि यहाँ की नस्ल को ही बर्बाद किया जाए, ताकि हमारी जो मिशन है वो पूरी हो सके। देखिए मैं तो कहा कि ये चाला चाली के बेला में मुख्यमंत्री गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। भाई विश्वास मत तो तब होता है जब गवर्नर कोई उनको निर्देशित करे या कोर्ट की ओर से उनको निर्देशित करे, किसी ने उनको कोई निर्देशित नहीं किया है। तो आज उनके पास जो विश्वास की संकट है तो अपने लोगों से है, सहयोगी लोगों से है, और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के लीडर को बस में किस प्रकार से बोझ करके रांची से रायपुर तक ले गए, रायपुर से रांची लाए हुए हैं, यहाँ भी अपने घर में लोगों को रहने नहीं दिए, और उसको बंधक बना करके कह सकते हैं कि एक होटल क्या कहते हैं सर्किट हाउस में रखे हुए। तो बिल्कुल ये अस्पष्ट है कि भाई ये अपने लोगों की उनकी संकट है, और इसलिए उन्होंने गैर संवैधानिक इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जो अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जिस पद पर आज बैठे हुए उसमें चाला चाली का उनका बेला है, वो नेता पद पर बहुत दिनों तक अब नहीं रह सकते हैं, उन्होंने गलत किया है। सर गवर्नर के रोल के बारे में क्या कहें? अरे गवर्नर का क्या, गवर्नर है महामहिम है, उनके पास तो हम लोगों ने दरखास्त दिया है, हम लोग कहते हैं कि वो जल्दी निर्णय करे, इसको बर्खास्त करे, तो इनको क्या परेशानी है, हमको समझ में नहीं आया। उनको तो मोहलत दिया है गवर्नर को, इनको तो बधाई देना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।